नमस्ते पब्लिक, क्या हाल चाल है गाइस आपके आप सबके। तो गाइस देखो, आज के इस वीडियो में कई सारे अपडेट निकल के आई है, तो उन्हीं के ऊपर अपन बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो भाई लोग देखो, तुम चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मारो, क्योंकि तुम्हारे भाई ऐसे ही डेली तुम्हारे लिए अपडेटेड वाली वीडियो लाता रहता है। तो सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट अपडेट की बात कर ले गाइस, तो आप बात करेंगे रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के बारे में। हम सबको पता है कि इसमें अपकमिंग मूवी होने वाली है सिंघम 3। और भाई लोग देखो, सिंघम 3 एक मतलब आएगी, सिंघम 3 को आने वाली है गाइस दिवाली के टाइम में, शायद 2024 तक आ जाए, ऐसी अपडेट आ रही है। तो गाइस उसी के साथ बात करें, कॉप यूनिवर्स की अपडेट ये आई थी कि गाइस देखो, कॉप यूनिवर्स में अपने को अक्षय कुमार, उसी के साथ टाइगर श्रॉफ भी अपने को देखने को मिलने वाले, अजय देवगन, रणवीर सिंह, ये कई बड़े स्टार अभी अपने को देखने को मिल चुके हैं कॉप यूनिवर्स में। और भाई सभी एक अपडेट ये भी आ रही है कि इसमें सलमान खान का भी कॉप यूनिवर्स में शामिल हो गई, ये भी 100% न्यूज़ है। जैसे स्क्रिप्ट कोई डन होती है गाइस सलमान खान को लेकर, रोहित शेट्टी ने खुद कहा है कि जब तक एक जबरदस्त स्क्रिप्ट नहीं मिलती तब तक सलमान खान के साथ काम नहीं करेंगे। जैसे स्क्रिप्ट एकदम बाप लेवल की निकल के आती है, वैसे ही इसके सलमान खान भी अपने को कॉप यूनिवर्स में देखने को मिल जाएंगे।